कैसा लगा, कैसा अनुभव? हाँ, वो मैंने देखा कि जिसे लोग कहते हैं कि हम तो चूंकि पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे, ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है कुंज निकुंज वनों का, जैसा भगवान कृष्ण जो है भागवत में वर्णन कर, लग रहा है कहीं ना कहीं हम उस प्रयास को जो है सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मिशन का बड़ा काम है और ये प्रक्रम मार्ग का निर्माण ही पहले पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया। तो ये पैच मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा खराब पैच था, लेकिन आज देख रहा हूँ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, बिल्कुल रिवर्स, इतना बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है और पर्यटन के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है कि आप वृक्षारोपण करें। और एक नए कार्य है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हर एक फील करता है और पेड़ जो है मॉर्निंग में बहुत ऑक्सीजन अच्छी देते हैं और जितना हरियालियाँ हो जाएगी और जिस एरिया को इन्होंने सेलेक्ट किया है वो देखिए बिल्कुल उजाड़ एरिया है, उसको अगर ग्रीनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो बड़ा भारी अचीवमेंट होगा। आप अपील करेंगे लोगों से कि वो भी सबको लगाना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, काटने का बिल्कुल हम लोग को रोकना चाहिए किसी तरीके से, लोग ना काटें, उनको प्रेरणा दी जाए इस बात में कि अगर काटेंगे तो अच्छी बात नहीं है, पेड़ जितना बढ़ाएंगे ऑक्सीजन मिलेगी, पब्लिक उतनी खुशहाल रहेगी, पर्यावरण हम लोग का अच्छा होना चाहिए, डे बाय डे हम लोग डिटरेशन की तरफ चल रहे हैं, इसको रोकना होगा। कितना जरूरी मानते हैं आगे जिंदगी में वृक्ष लगाना? बहुत अहम है ये, और ये हर बच्चे के लेवल पर ही, जब वो बच्चा केजी में पढ़ता है तभी से उसको ये प्रेरणा दी जानी चाहिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स द्वारा, कि वो इसको वृक्षारोपण की तरफ उसका ध्यान दें, इससे लगाने से ऑक्सीजन का ज़्यादा वृद्धि होगी और हमेशा खुशहाली।